तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल की कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहली हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए हमारी शॉर्टकट की होती है सेलेक्ट ऑल। अभी हम ब्लैंक सेल के अंदर हैं, यहाँ पर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल ए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कंप्लीट शीट हमारी सिलेक्ट हो गई है। ऐसे ही अगर हम किसी डेटा के अंदर होंगे, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अब हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्लिक करते हैं, शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं, यहाँ पर भी हम देखेंगे ये इतना डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया है। तो कंट्रोल ए हम यूज़ करते हैं जब हम किसी डेटा के ऊपर होंगे तो पर्टिकुलर एरिया का डेटा हमारा सिलेक्ट होगा। अगर हम कहीं बाहर रहते हैं और कंट्रोल ए हम प्रेस करते हैं तो कंप्लीट शीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी होती है हमारी बोर्ड। जैसे ये हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बी हम प्रेस करेंगे तो इतना डेटा हमारा बोर्ड हो जाएगा। वापस से कंट्रोल बी हम प्रेस करेंगे तो ये अनबोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी हम यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए। अभी हम देखेंगे ये डेटा हमारा सिलेक्टेड है, कंट्रोल सी हम प्रेस करेंगे तो ये डेटा हमारा कॉपी हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। अभी जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं एक्सेल, अब इतने एरिया के अंदर हम चाहते हैं कि एक्सेल आ जाए, तो इतना एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये नीचे तक फिल हो गया है। कंट्रोल डी हम यूज़ करते हैं फिल डाउन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, फ्लैश फिल। ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो शुरू के हमने नेम टाइप कर दिए, इनको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ई हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लैश फिल हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, फाइंड। यहाँ पर हम देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब जो भी चीज़ हमको सर्च करनी है उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ चार्ट। फाइंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, शीट के अंदर जहाँ पर ये वर्ड होगा हम वहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते रहेंगे तो नेक्स्ट वर्ड के ऊपर हम पहुँच जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल जी, गो टू। ये डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम जिस सेल के अंदर जाना चाहते हैं उस सेल का एड्रेस हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उस सेल के ऊपर हम आ जाएंगे। एक बार और देखते हैं, कंट्रोल जी हम प्रेस करते हैं। अब हम टाइप करते हैं C10। ओके के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम C10 के अंदर आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल एच, रिप्लेस। यहाँ पर हम बताएंगे किस चीज़ को किस चीज़ से हम रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर है फ्राइडे, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं गुड फ्राइडे से। रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये फ्राइडे से गुड फ्राइडे के अंदर रिप्लेस हो गया है। ऐसे ही अब क्या हो, जिस वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो एक बार से ज़्यादा बार हो। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा फ्राइडे है और यहाँ पर भी हमारा फ्राइडे आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है रिप्लेस ऑल। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे वर्ड हमारे रिप्लेस हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। टेक्स्ट के ऊपर हमारी इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। वापस से हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो फॉर्मेटिंग हमारी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल जे। कंट्रोल जे के लिए हमारी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल के, हाइपरलिंक। अभी जैसे इस सेल के ऊपर हम एक लिंक लगाना चाहते हैं, शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं
कंट्रोल के। वेबसाइट का एड्रेस हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अभी हम टाइप करते हैं www.investing.com। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो लिंक हमारा क्रिएट हो गया है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर आकर क्लिक करते हैं तो लिंक हमारा ओपन हो जाएगा। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस पर यह लिंक ओपन होगा। अभी इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एल हम प्रेस करते हैं, ये डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया है क्रिएट टेबल। अभी हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल एम। कंट्रोल एम के लिए भी हमारी कोई शॉर्टकट की नहीं होती। तो इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो एक न्यू वर्कबुक हमारी ओपन हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। किसी वर्कबुक को हमें ओपन करना है तो कंट्रोल ओ प्रेस करते हुए वर्कबुक को यहां से हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, प्रिंट। डेटा को यहां से हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू हम यूज करते हैं क्विक एनालिसिस के लिए। जैसे ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल क्यू हम प्रेस करते हैं तो ये डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं हमको, फॉर्मेटिंग, चार्ट, टोटल्स, टेबल्स और स्पार्क लाइंस। अभी एग्जांपल के लिए डेटा बार्स को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। वापस से हम कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं। अभी हम चार्ट के अंदर सेलेक्ट करते हैं लाइन चार्ट, तो ये आप देख सकते हैं लाइन चार्ट हमारा क्रिएट हो गया है। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, राइट फिल। तो जैसे हमने कंट्रोल डी शॉर्टकट की का यूज किया था डाउन फिल करने के लिए, ऐसे ही ये शॉर्टकट की है कंट्रोल आर राइट फिल करने के लिए। राइट की तरफ डेटा हमारा फिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस हम यूज़ करते हैं वर्कबुक को सेव करने के लिए। यहाँ पर हम फाइल का नाम बताते हैं, फाइल की लोकेशन बताते हैं, कहाँ पर हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं और सेव के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फाइल हमारी सेव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी शॉर्टकट की हमारी यूज़ होती है टेबल क्रिएट करने के लिए। एक्सेल के अंदर हम कंट्रोल एल और कंट्रोल टी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। वापस से हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हमारी हट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी हम यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए। जैसे कंट्रोल सी से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अब इसको हमें यहाँ पर पेस्ट करना है तो शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे कंट्रोल वी, तो डेटा हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। इस शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं वर्कबुक को क्लोज करने के लिए। जैसे अभी हम कंट्रोल एन प्रेस करते हुए एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लेते हैं तो ये हमारी न्यू वर्कबुक ओपन हो गई है। अब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्कबुक हमारी क्लोज हो गई है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स हम यूज़ करते हैं डेटा को कट करने के लिए। अभी जैसे इस डेटा को हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाए तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर आकर हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो डेटा हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो ये हमारा था कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की का यूज़। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई।
इससे पहले हम कंट्रोल जेड के बारे में जानते हैं। अभी जैसे यहां पर हम कुछ डेटा को डिलीट करते हैं तो कंट्रोल जेड हमारा यूज होता है अंडू करने के लिए। अंडू का मतलब जो अभी हमने स्टेप्स किए उन स्टेप्स के अंदर पीछे जाने के लिए। अभी हमने यहां पर डेटा को डिलीट किया था, कंट्रोल जेड हम प्रेस करते हैं तो यहां पर हम देखेंगे एक स्टेप हम पीछे आ गए हैं। वापस से हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, जितनी बार हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे उतनी ही बार स्टेप्स के अंदर हम पीछे आते चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की जानते हैं, कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई शॉर्टकट की होती है हमारी रेडू। जो स्टेप्स हमने अंडू किए हैं उन स्टेप्स को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल वाई। इसको हम यहां पर समझते हैं। जैसे अभी हमने कुछ सेल के अंदर से डेटा को डिलीट किया था, इसके बाद कंट्रोल जेड प्रेस करते हुए स्टेप्स के अंदर हम पीछे गए थे, यानी डेटा हमारा वापस आया था। अब यहां पर हम कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं तो जितने स्टेप्स हमने अंडू किए थे कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं तो वो स्टेप्स यहां पर क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारी एक्सेल की शॉर्टकट कीज थी, कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक।